करते हुए देखती थी। वो उन्हें रोज मारती थी, लेकिन इतना कि जीने की चाह खत्म हो जाए, लेकिन जिंदगी नहीं। लेकिन उस दिन आप आई और आपने महाराज जी को आजाद कर दिया। मैं भी वहां से चुपचाप निकल गई। जयलक्ष्मी ने मुझसे वादा किया था कि जब मुझे मेरी नई जिंदगी शुरू करनी हो तो वो मुझे पैसे की मदद करेगी। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया और ना ही मेरे परिवार को इतने सालों से एक पैसा भी नहीं दिया। मैं उस दिन महल में आई थी राजा जी से मिलने, उनसे मदद मांगने, लेकिन मुझे देखकर उन्हें उस तहखाने में हुए जुल्मों की याद आ गई। मेरी मदद करो राजकुमारी जी, मेरी मदद करो। दुनिया की नजर में तो मार चुकी हूँ मैं, लेकिन सच कहूं मुझे तो लगता है मैं एक जीती जागती लाश बन चुकी हूँ। कैसे जीना है कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं, सब कुछ बदल चुका है। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे। जया माने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की है, अब वक्त आ गया है उनकी जिंदगी बर्बाद करने का। अगर आप हमारी मदद करेंगे ना तो हम और जिंदगियां बर्बाद होने से रोक सकते हैं। हमें क्या करना होगा? जो भी आपने हमें बताया है ना, वो सब आप महल में जाके सबके सामने बोल दीजिए। ऐसे जया माँ का सच भी बाहर आ जाएगा और उनकी दरिंदगी भी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं महल नहीं आ सकती, मैं जयालक्ष्मी के सामने नहीं आ सकती। अगर मैं उनके सामने आ गई तो वो मेरे परिवार को खत्म कर देगी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं आ सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं आ सकती। पापा कहाँ गए? पापा, पापा, पापा चल गई। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? जया माँ ने हमें देवराज सर से दूर कर दिया और इतनी मुश्किल से उनके खिलाफ एक गवाह मिली थी, एक सबूत जो जया माँ को सबके सामने बेनकाब कर सकती थी, लेकिन उसने भी हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पापा को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? क्या हुआ दोस्त? कुछ नहीं पापा, आप ठीक हैं? मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। तुम जब मुझे दवाई देती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी दवाई से तो मैं ठीक हो रहा हूँ। तो पता नहीं, मुझे ना रात को सोते वक्त अजीब अजीब से सपने आते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। क्या सपने आते हैं पापा आपको, याद कीजिए ना प्लीज। वो बंद दरवाजा, वो दीवारें, कोई मुझे बहुत मारता है, मुझे बहुत तकलीफ देता है, मुझे डर लगता है, मुझे नींद भी नहीं आती है इस सपनों की वजह से। आपकी याददाश्त वापस आ रही है पापा, धीरे धीरे सब याद आ रहा है आपको। किशोर, मुझे ये बार बार सपने क्यों आते हैं? जिसे आप एक डरावना सपना समझ रहे हैं पापा, वो आपकी जिंदगी का एक भयानक सच है। पापा आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, आपके सोने का टाइम हो गया ना। आइए। आपकी बातें सुनने में डर लगता है मुझे, ऐसा लगता है कहीं आप फिर से झूठ ना बोलते हैं। ऐसे लगने लगे जैसे मेरी जिंदगी है झूठ है। इतना कुछ सहा है पापा आपने? मतलब आपके सपने की बात कर रहे थे। तुम रो रही हो? नहीं। तुमको देवराज ने रुलाया ना, मेरे साथ चलो, मैं देवराज की खबर लेता हूँ। नहीं पापा, नहीं, देवराज सर ने नहीं रुलाया है, और हम उनसे सुबह बात करें। नहीं, तुमको देवराज ने रुलाया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं पापा प्लीज प्लीज, आप सो जाइए, हम कह रहे हैं ना हम देवराज सर से कल बात कर लेंगे। पक्का? हाँ। तुम रोना नहीं है? हाँ, मैं सो जाता हूँ। हमें बसंती को हमारी मदद के लिए मनाना होगा, लेकिन कैसे?
हमारे प्यार को किसी की नजर लगी है कृष्णा। जामा वो एक्चुअली देव हम कल के लिए माफी मांगने आए थे। हमें कोई हक ही नहीं बनता कि इस तरह से हम कृष्णा पर इतना चिल्ला दें। हम पता नहीं क्यों बार बार ये भूल जाते हैं कि हम माँ जैसी है, माँ तो नहीं। जामा ये क्या कह रही हैं आप? कृष्णा से सवाल करने का पूरा हक है आपको, और आप सिर्फ माँ जैसी नहीं, मेरी माँ है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, दिल के भी होते हैं, और दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। इसलिए जयमा, कल जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की गलती थी। उन्होंने भरोसा तोड़ा मेरा और मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा। एनीवेज प्लीज डोंट फील इट। ओके कर देते हैं, जल्दी जल्दी पैक कीजिए, कपड़े डालिए और जल्दी जल्दी इस कमरे से जाइए। बस एक काम कीजिएगा, उस कमरे में जाके ना अनपैक मत करना, क्योंकि हमारा इरादा आपको इस कमरे से बाहर निकालने का नहीं है। हमारा इरादा तो आपको इस महल से बाहर निकालने का है, सड़क पर लाना है। बस बहुत हो गया, बुराई ने अच्छाई को बहुत दबा लिया। अब हमें आपकी मदद चाहिए, आपका चमत्कार चाहिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए।